अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू आर माई न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में कुछ इस तरह से कि हमारे साथ एक स्कैम हुआ है 15,000 रुपये का। वो स्कैम क्या है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस चीज़ पे बैठा हूँ। तो यार मैं बैठा हूँ ये टोके वाली मशीन पे। ये टोके वाली मशीन देहात में होती है, जिससे बकरियों का या गायों का चारा काटने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्कैम की मैं अगर बता दूँ आपको, स्कैम क्या है यार, हमने की थी दराज से एक शॉपिंग। एक हमारा कॉमेडी चैनल जिसका नाम काशिफ टीवी HD है, उस पर 1300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने कहा यार कम सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो क्वालिटी भी देनी चाहिए वीडियो को। तो क्वालिटी देने के लिए हमने दराज से एक कैमरा ऑर्डर किया था, जिसकी प्राइस मेरे ख्याल है 15,000 रुपये या 15,500। तो हमने जैसे वो कैमरा आ गया तो उसकी यार क्वालिटी इतनी ख़राब थी ना कैमरे की, ना उसमें कोई क्वालिटी हो और ना ही कोई उसमें वो एक पहला तो उसमें एक क्वालिटी का मसला हो कैमरे के अंदर। तो दूसरा मसला मैं आपको बता दूं, उसमें हैंगिंग का मसला। अगर हम उसको ज़्यादा उसमें अगर वीडियो शूट करें तो उसमें वो हैंग करने लग जाता था, यानी वो एक जगह ठहर जाता हैंग बिल्कुल ख़त्म। तो इसको हमने क्लेम के लिए वापस भेज दिया TCS के ज़रिए। एक हफ़्ता होता है, आपको पता होगा कि दराज वाले 1 वीक देते हैं रिटर्न के लिए। तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो देखते हैं अगर वो हमें वापस देते हैं कि नहीं। पैसे हमारे कहते हैं दराज वॉलेट में, TCS वालों ने कहा आपके दराज वॉलेट में आ जाएंगे। तो देखते हैं, पता नहीं आते हैं या नहीं। तो मैं आपको उसकी वो जो रसीद उन्होंने हमें TCS वालों ने दी थी, तो वो मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं अगर आपको रसीद की बात करूँ तो ये बात दे सकते हैं आप, ये TCS वालों ने हमें दी थी कि जिस पे लिखा हुआ है CNSC नंबर और ट्रैकिंग। और ये जो हमारा पार्सल था कैमरा, वो हमने मंगवाया था लाहौर से। ये DSLR की फ़ोटो कापी जिसका नाम SLR था। तो ये मैंने आपको बताया, ये DSLR की कापी था, इसका नाम था SLR। तो ऊपर इन्होंने दिया था कि ये भाई 16 मेगा पिक्सल का, लेकिन जब हमने इसकी क्वालिटी चेक की तो यार इसकी 16 मेगा पिक्सल नहीं था। ये नोकिया का जो मोबाइल होता है 3310, ये इससे भी ख़राब क्वालिटी थी इस कैमरे की। तो हमने इसको TCS के ज़रिए क्लेम कर दिया, तो शुक्र है यार क्लेम हो गया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो इन्होंने हमें साथ क्या दिया था मैं आपको बता दूँ। तो इन्होंने यार हमें दिया था क्या कहते उसको, एक 16 GB का कार्ड था, जो इन्होंने हमें 3,000 रुपये का वो कार्ड दिया था जी। 16 GB कार्ड देख लो भाई, दराज वालों ने 3,000 का हमें दिया था। नॉर्मली अगर ये कार्ड हम मार्केट से परचेज करते तो इसकी प्राइस होती यही कोई 500 रुपये या 600 रुपये, इतने का ही मार्केट में ये कार्ड मिल जाता है। लेकिन दराज वालों ने हमें वो कार्ड 3,000 रुपये का दिया था 16 GB का। तो जब जैसे ही पैसे क्लेम हमारा वापस आता है, हमारे पैसे वापस आते हैं, तो हम जाएँगे लाहौर में या उधर जाएंगे क्या कहते हैं मुल्तान, तो वहाँ पे कैमरे वाली मार्केट है। तो यहाँ पे जिधर मैं रहता हूँ खानेवाल में, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी कैमरे की मार्केट नहीं है। तो हम जाएंगे जैसे हमारे पैसे वापस आ जाएंगे तो हम जाएंगे कैमरा लेने। तो मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊँगा वो कौन सा हमें कैमरा पसंद आता है, जो चाहे मुल्तान जाएँ चाहे लाहौर जाएँ, तो मैं आपको व्लॉग दिखाऊँगा। तो देखते हैं कौन सा कैमरा हम लेते हैं। तो आगे आपके व्लॉग में आने वाला है बहुत जल्द मेरा ट्रैवल वाला व्लॉग, तो मेरे साथ रहना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद है आपको आज का ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलता किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।